पेपर एनालिसिस की सीरीज में आज हम लोग जेएनयू का 2004 इस ईयर पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और टॉपिक डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जेएनयू में क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं। अक्सर कर जेएनयू के क्वेश्चंस को हमने देखा है कि निमसेट में आते हुए रिपीट हुए कहीं ना कहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप निमसेट की तैयारी करते हैं, एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जेएनयू में एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, तो जेएनयू के पेपर लगाना, उनका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने इन सारे सालों में एक गेन किया है, उस बेसिस पर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी जगह एग्ज़ाम में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को पूरा पूरा ध्यान दें, इसके आंसर को भी ध्यान दें, क्योंकि ये आगे हो सकता है कि रिपीट हो। चलिए देखते हैं आगे स्टेप में सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लेंदी है, बट ऐसा है नहीं। आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इंडिपेंडेंट ऑफ, आंसर निकल गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा। ठीक है, एक चीज़ को आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे सब दिया गया है, एक चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ के लिए, साइन ए माइनस बी। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात से ही सारी बातें हिट होने वाली। देखिए ध्यान दें, साइन ए कॉस बी और यहाँ पे कॉस ए साइन बी। तो जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस बी वाले, इस वाले ब्रैकेट में आप हर एक ब्रैकेट को ऑब्जर्व करिए, बहुत बड़ा नहीं है, पुट करके भी रख सकते थे, इजी लगेगा कि इजी लगा सकते हैं, इनकी वैल्यू मान लें, मगर उससे इजी ये है। बात एक स्टेप ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी तो एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन एक्स, मतलब ये ए लिया है और माइनस बी ये ले लिया। ओके, अब देखिए इस प्यार से देखें, एन कट गया, इस वाले स्टेप में भी एन गायब हो गया। यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पर भी एन माइनस ए माइनस बी करोगे तो एन प्लस टू माइनस एन करोगे, तब भी क्या आ जाएगा, एन कट जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। देखिए साइन मतलब ये करेंगे ना, कहने का मतलब एन प्लस वन माइनस एन और एक्स, तो एन कट जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, कहने का मतलब क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू वन, यहाँ पर साइन टू एक्स इंटू ए और यहाँ पर साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पहले वाले स्टेप में आ गया ए स्क्वायर साइन एक्स और माइनस ए साइन टू एक्स और प्लस साइन एक्स, कहीं पर एन आया, ए अभी आया आंसर में, एक्स भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, मगर एन का काम तमाम हो गया, मतलब एन पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढने से अच्छा है कि बस आप एक्सपेंशन जैसे ही करेंगे, किसी का भी एक्सपेंशन करेंगे, किसी भी टर्म का एक्सपेंशन करेंगे, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बीच में माइनस लग रहा है, तो सीधे सीधे एन कट रहा है। उन्होंने इतना फॉर्म दिखाया है, बहुत बड़ा रूप दिखाया, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आई आई में पूछा गया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डरे नहीं, पहले से याद रखें, आंसर एक ही स्टेप में याद हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2004 का, आगे वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा ही क्वेश्चन होगा, देखते हैं आगे का। डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है निमसेट का, जब वेक्टर का एनालिसिस किया था, तीन वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर दिखाया था, तो इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन हमने लगाया है। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिटरमिनेंट में हो चाहे वेक्टर में हो, कहीं पर भी इस टाइप की डिटरमिनेंट बनती है तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रेंकली जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज इसकी है। अब क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट तक इसको देखेंगे, आंसर को टैली कराएंगे, आंसर जरूर ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, जो जेएनयू में आया वो मैंने बताया कि आगे भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी उसकी है। 2004 में क्वेश्चन आया, पूरा सोल्यूशन नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग बताएंगे। देखा जाए, काउंट किया कि दो ही स्टेप ऐसे हैं जो लगे हैं, उन दो स्टेप में क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। ये एक स्टेप में तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को दोबारा उतारा है, बस इस स्टेप को ध्यान रखें। क्या किया हमने, कॉलम वन में, ये कॉलम वन है, ऑपरेशन लगाया कॉलम वन में, कॉलम टू को घटाया है आराम से, कॉलम टू में कॉलम टू से कॉलम थ्री को हटा दिया है। तो पहले कॉलम से दूसरे कॉलम घटाने के बाद ये अपडेशन आया, दूसरे कॉलम देखिए, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम को आपके सामने घटाते हैं, तो वन से वन गया जीरो, वन प्लस बी से वन गया तो बी आ गया, और वन से वन प्लस सी गया तो माइनस सी आ गया। इतनी बात क्लियर हुई, ये ऑपरेशन दोनों अप्लाई किए, सीधे एक्सपेंशन कर दीजिए, कुछ दिमाग ना लगाए, सीधे एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का करना जानते होंगे, ये स्टेप आया, ये स्टेप आप पा जाएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर ए बी सी का सारे स्टेप में अगर डिवाइड कर दें, ए बी सी का यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, वन अपॉन सी, यहाँ डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा,
यहाँ डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करें तो वन अपॉन ए आ जाएगा। अब पैनी का नज़र है तो अगर इधर गया तो कौन सा आंसर डी में क्या होना चाहिए था? बहुत ही प्यार से दो स्टेप लगाए, कोई जुगाड़ तुगाड़ नहीं लगाए। तो आगे अगर देखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर इन द सेंस दो महीने बाद फिर से हम लोग फिर से अपडेट करेंगे सारे एनालिसिस को, और तब आप वेट करें। इस वाले क्वेश्चन को देख लें, हो सकता है इस वाले क्वेश्चन को एक सिंपल सा तरीका है कि आप इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करेंगे तो क्यूबिक बन जाएगी, उससे एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन होगा, बाकी एक एक्सप्रेशन अलग हो जाएगी। तो एक्स इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर जीरो आ जाएगा। वो एक रूटीन मेथड है, लंबा जाएगा, काफ़ी आगे तक जाएगा, उस स्टेप को किया जाए उससे अच्छा एक तरीका है कि ऑप्शन में हमने एक्स की, देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से देखें कि डिस्टिंक्ट ए बी सी डिस्टिंक्ट है, बराबर नहीं है, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के दी गई है, तो एक्स की क्या ऐसी वैल्यू उसको सेटिस्फाइड करेगी? क्वेश्चन क्या है कि एक्स की ऐसी वैल्यू क्या सेटिस्फाइड करेगी? तो रूटीन मेथड है कि आप सीधे सॉल्व करिए, लास्ट तक एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ये मैंने किया है, आप कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा तरीका है कि एक्स की वैल्यू आप इतना से डिटरमिनेंट में जीरो रख दें, जहां जहां एक्स हो, देखो यहां है जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, डिटरमिनेंट लुक लाइक दिस। एक इजीएस्ट फॉर्म में डिटरमिनेंट बन गई, एक स्टेप में सीधे देखो ये जीरो है, जीरो आ गया, माइनस माइनस प्लस ए, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो जीरो माइनस बी सी तो प्लस बी सी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड तो ए सी माइनस जीरो, तो ए बी सी माइनस ए बी सी दैट इज जीरो। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस लिए गए, तीन सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सबसे अच्छे थे दिखने में, सारे सारे क्वेश्चंस ऐसे लगते थे कि मतलब सॉल्व ना किए जाएँ, टिपिकल लाइक लग रहे थे, बट तीनों क्वेश्चंस के आंसर दो ही तीन स्टेप में सॉल्व किए, जबकि अभी सबसे फाइनेस्ट ट्रिक्स नहीं बताई हैं। फाइनेस्ट ट्रिक्स को जो सबसे शॉर्ट होगी वो आगे वाली अपडेशन में करेंगे। एनालिसिस पार्ट का एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट अभी डाल रहे हैं हम लोग, एक ट्रिक बेस्ड पास्ट भी हम लोग बाद में डालेंगे। आप ज़रूर बताते रहें कि एनालिसिस कैसी लग रही है, किस तरीके से आप ले रहे हैं, और कितना आपको ये हेल्प करती है, कितना मोटिवेट करती है, कितना आप इंकरेज होते हैं, ये ज़रूर बताते रहें। और अभी तक जितनी एनालिसिस डाली हैं आपने अप्रिसिएट किए हैं, जो चार्ट हमने डाले हैं वो भी बहुत अप्रिसिएट किए हैं, ये अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, और आगे हम लोग चलते हैं क्योंकि हमें तैयारी करनी है, एक नया अच्छा वीडियो बनाएं जिससे कि और कुछ अच्छा कर पाएँ। चलिए थैंक यू, आप भी तैयारी करिए।